क्या हाल है सबका। देखो यार, अभी मैं फिरा ऑफिस से लौटा तो सुबह तक तो कोई बात नहीं हुआ आप लोगों से। एक्चुअली अभी बाइक से आया हूँ क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो ऑफिस का जो अपना गाड़ी है वो हो गया बंद, तो इसलिए हमें आना पड़ा गाड़ी से। तो बॉस अपने बाइक से आया, मैं चला चला के अभी फिर, लेकिन बहुत भूख लगा है तो खाना पड़ेगा दवा के। ओके बॉस, तो खाना खा के फिर आप लोगों से हो रहा है बातें। लेकिन पहले कुछ खाना पकाना भी पड़ेगा क्योंकि अभी कुछ है नहीं फिलहाल घर पे बनाया हुआ। बेचलर बंदा भाई, कौन बनाएगा खाना? तो अभी बना रहे खाना, तो पहले तो होना है फ्रेश, नहा धो के फिर हम बनाएंगे खाना, उसके बाद लंच करेंगे। तो तब तक आप लोगों से मिलते हैं। और हाँ, आज एक सरप्राइज है। सरप्राइज कुछ ऐसा है कि मैंने कुछ ऑर्डर किया हो तो अभी आया है, तो वो भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो दोस्तों इंतजार में रहिए, पहले चलते होते हैं थोड़ा फ्रेश, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हाय बॉस, मेरा नहाना हो गया कॉम्प्लीट। देख ही रहे हो, बाल पूरा गीला हुआ है और बालों का हालत देख ही रहे हो कितना बेकार हो गया। एक्चुअली क्या है, लॉकडाउन तो सारे सैलून बंद है और इसके लिए बाल कटवाना हो नहीं रहा है, तो अभी बाल जो हो रहा है लंबे लंबे, तो जो भी है इसी से ही काम चलाना पड़ रहा है आजकल। तो अभी नहाना तो हो गया खत्म, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, भूख लगा है बहुत तो खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्त, खाना बनाने से पहले दिखा देता हूँ मेरे किचन की हालत, जो देख के आप लोगों को मेरे पे तरस आ जाएगा। ये मेरे किचन की हालत देख रहे हो? देखो, सारा सरा पड़ा है, गंदा हो रखा है पूरा चूल्हा, ये जो है बर्तन बर्तन सब लटका पड़ा है। अब बैचलर हो गई, समझ ही रहे हो बैचलर का जिंदगी कैसा होता है। तो जो भी है, बर्तन तो धोंगे बाद में, पहले मुझे बनाना है सिंपल सा खाना। देखो भाई, शॉर्टकट खाना है। और एक डायलॉग में बताना भूल गया क्या? वेलकम टू माय चैनल, आई एम रोनी दत्ता, वेलकम टू जर्नल टू। सो गाइस, चलिए पहले बनाते थोड़ा खाना, फिर खाते और उसके बाद फिर बातें करते हैं। सो लेट्स गाइस, अभी जो खाना बनाएंगे ये है बैगन, जिसको हम बढ़िया तरीके से, जिसे कहते हैं बढ़िया तरीके से, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको काटेंगे भाई लोग। अभी ये जो बैगन है हम इसको करेंगे फ्राई, ये होगा अपना लंच। देखो बैगन का हालत भी ऐसा ही हो गया क्योंकि पता नहीं कितने से पड़ा हुआ था, तो भी खाने लायक है अभी फिलहाल। तो पहले इसको चीरेंगे, काटेंगे, फाड़ेंगे और फिर खाएंगे, पहले फ्राई करेंगे। देखिए ये अपना हो गया 1 2 3 4 5 6 6 बैगन से अपना हो गया उसका लंच। पूरा हल्दी डाल लो, पूरा सा नमक, और इसको मिक्स। गाइस, अपना बैगन हो गया तैयार फॉर फ्राई। चावल बन ही रहा है, देख ही सकते हो आप लोग, उबल रहा है। उसके बाद बैगन फ्राई करके गपक गप करेंगे खाना चालू। देखो दोस्तों, बैगन हो गया तैयार, अब बारी है अंडे की। सोचा अंडे का पोज बनाएंगे, पोज अंडा पोज, इससे कढ़ाई गर्म हो रहा है। दो अंडे एक साथ डालेंगे और फिर बढ़ाएंगे। तो शुरुआत करें, तो गाइस मेरा खाना हो गया तैयार। ये रहा मेरा अंडे का पोज, जो भी बनाने का कोशिश किया लेकिन वो बना नहीं है, पूरा फेल हो गया। ये रहा मेरा बैगन क्या फ्राई, जो कि ज़्यादा ही फ्राई हो गया। ये रहा चावल, और बीच में ये है अपना हरी मिर्च, थोड़ा नमक भी ले लेता हूँ क्योंकि ये मेरा नमक साथ खाने खाते थे। और देखो भाई, तो भाई गरीब आदमी हूँ तो फ्लोर पे ही खाता हूँ, तो जो बन गया जो मिल गया वही खाते हैं और लंच करते कंप्लीट। तो चलो खाना शुरू करते हैं, मिलते हैं खाने के बाद।
हाय गाइस, तो मेरा खाना पीना हो गया ख़त्म। अपने हाथों के बनाया हुआ खाना है, जो मिल जाए वही खा लेता हूँ, बैचलर बंदा है समझ रहे। तो जो भी है अच्छा ही है, आखिर अपने हाथ का बना हुआ खाना है। तो अभी मैं जो बात बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों से बोला था कि मैं एक सरप्राइज़ लेके आ रहा हूँ, और सरप्राइज़ क्या है चलिए देखते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि मैं जब ऑफिस में था तो मैं फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाया था, तो बंदे ना आए थे डिलीवरी देने, लेकिन डिलीवरी नहीं दे पाया क्योंकि मैं ऑफिस में था। तो गार्ड को देखे गए थे, तो मैं ऑफिस से आते वक्त मैंने उसको रिसीव कर लिया था। तो मैं वही आप लोगों को दिखाऊंगा कि फ्लिपकार्ट से मैंने क्या ऑर्डर किया। तो चलिए देखते हैं क्या है अपने साथ, तो उसका अनबॉक्सिंग अभी हम आप लोगों के साथ करेंगे, चलिए देखते हैं। गाइस, ये रहा मेरा फ्लिपकार्ट से आया हुआ माउस। ये है एक वायरलेस माउस है, ये लॉजिटेक का है, मॉडल नंबर है B175। ये मुझे मिला 699 में। तो गाइस चलो इसको पहले खोलते हैं। मेरे पास है चाकू, सॉरी एक कांची है, तो मुझे इसको खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए इधर से काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे है सिल, तो सिल को काटते हैं पहले। ये आ गया सिल, काटते हैं, बहुत टाइट है सारा, पता नहीं इतना टाइट क्यों पैक करते लोग, खुलने में हाथ खराब हो जाता। तो ये रहा इसके अंदर से, ये अपना एक वो है बिल है जिसमें टैक्स इनवॉइस है, तो इसको कर देते साइड। और ये अपना अंदर से निकला एक खाली डब्बा है, इसको भी कर देते साइड। और ये रहा असली सामान, ये रहा अपना माउस। तो गाइस ये है अपना वायरलेस माउस, इसको हम अभी खोलेंगे। यहाँ लिखा है लॉजिटेक B175, और क्या लिखा है, और कुछ लिखा है गाइस, बस यही है, एक खूबसूरत पैकिंग। चलो अब इसको काट के देखते हैं, असली चीज पे निकालते हैं। खुल गया, ये निकला उनका माउस, ये है मेरा नया माउस। इसमें अपना वो है लॉजिटेक का ही दिया हुआ मैनुअल है, इसको साइड में रखते हैं। ये अपना बॉक्स है, इसको भी साइड में रखते हैं। ये आया अपना माउस, ओ कितना खूबसूरत है यार, ब्लैक कलर का है, तो वही ना। तो गाइस कैसा लगा मेरा सरप्राइज, ये माउस जो है लॉजिटेक का है, मैंने देखा फ्लिपकार्ट में बहुत अच्छा रिव्यू भी है, बहुत सारा रिव्यू है, और क्वालिटी भी अच्छा ही होगा मैं आशा करता हूँ। तो देखते हैं यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि ये मेरे साथ कितने दिन रहते हैं, और आशा करते हैं कि ये मुझे धोखा नहीं देगा। तो जो भी है, तो गाइस अनबॉक्सिंग तो हो गया, तो अभी टाइम है थोड़ा पढ़ाई करने का, तो अभी थोड़ा पढ़ने बैठते हैं, चलिए थोड़ा पढ़ाई शढ़ाई कर लिया जाए। तो गाइस अभी मैं बैठ बैठ के एक किताब पढ़ रहा था, द अल्केमिस्ट, ये बहुत ही फेमस किताब है, मैं सुना था कि ये बेस्ट सेलर है, तो मैं कल से कोशिश कर रहा था इस पढ़ने का, लेकिन 18 पन्ने पढ़ पाया, टोटल 150 से ऊपर पेज है इसमें, तो कोशिश जारी है कि इसको ख़त्म करेंगे, देखते हैं कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। एक्चुअली अभी पढ़े वढ़े उतना अच्छा होता नहीं है, पढ़ने में मन ही नहीं बैठता, दो लाइन पढ़ रहा हो तो फिर दिमाग कहीं और चला जाता है। तो जो भी है पढ़ रहा हूँ, फिर देखते हैं कितने दूर तक पहुँचते हैं। उसके बाद सोना है, तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक है, मैं किताब पढ़ता हूँ,
और आप लोगों से फिर कॉल मिलता। और यस गाइस, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही मेरा चैनल देखते रहिए और एंजॉय करते और मेरे साथ दोस्ती बरकरार रखिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।